والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Honorable Academic Director, Principal, Respected Guests and Teachers, My dear students, a very warm welcome to you on the behalf of International Delhi Public School, Srinagar. I greet you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you. I, Samir Maharaj from the Department of English, will be host for today's morning assembly. जब कुछ नहीं था तब भी वही था, जब सब कुछ है तब भी वही है, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वही रहेगा। मोहतरम अल-मुकाम से इज्जत चेयरमैन सर, एकेडमिक डायरेक्टर, वाइस प्रिंसिपल, मोहतरम अल-असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے جانے والے انبیاء کی شکل انسانوں کی جانب دنیا میں بھیجا. اپنے اصل رب سے محفوظ ہے. अपनी असली मंजिल अनमान में रखा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाया जाता है। नबूवत के इस वारिस का दिल हजरत ने बनाना शुरू किया। अपनी सच्चाई, दयानंदगी और शिक्षा के कारण की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कबाइल में साबित और अमीर के अलावा से बताए। वो ही दिया का एक ऐसा दार है जिसकी वो ही पारान भी कहा जाता है। उस वक्त हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जात भाई नजाओ बाबा अनु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद पिता गुलाम उस सहाबी वदी मान लाए। मक्का के बाहर से पहले शख्स हजरत अबू जर गफारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे जो इस्लाम लाए। फसल अशीरा के बाद से इस्लाम की पैगंबरी खुली थी। तारीख रिसालत और किल्लत नबूवत से सरफराज होने के बाद हुजूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे समाज और माशरे को ईमान और तौहीद की दावत दी जो गले कश को कुफर के दलदल में गिरफ्तार। जज़ाकअल्लाह। So it's our duty to learn the Quran and learn the teachings of Prophet sallallahu alaihi wasallam. We at International Delhi Public School are doing that. So now let me invite Ms. Zahra of class 10 for the speech. Zahra, please come. وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इस कायनात की रोशनी तो फकत एक ही है और वो है नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से। तो क्यों ना ये कहा जाए, ये किरदार तेरा क्यों ना दिल को बाए, तो दिल में बसे क्यों ना मन में समाए, कि एक यतीम जो बेसहारा इंसान आपके दरवाजे पे खड़ा होता है वो कहता कि या रसूलुल्लाह। For the recitation of Holy Quran. सदर महफिल एकेडमिक डायरेक्टर वाइस
प्रिंसिपल व मोहतरम असातिज़ा और महफिल में बैठे तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैहि वसल्लम के पसीने में रहते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात को सीरत कहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे मोहब्बत से मिलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुरा भला नहीं कहते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहादुर थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकी थे, कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी दाद के लिए किसी से बदला नहीं लेते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ पहुँचाने वालों के लिए भी दुआएं खैर बनते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर जुल्म करने वालों को माफ़ कर दिया करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों और आजमाइशों पर सब्र करते थे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाले और आदि गरीबों की बरगाने वाले। Gives me immense pleasure to stand before you, before you all in the glamorous, glorious gathering. I know that Mr. Fazil of Grade 8, I'm here to give a brief biography on our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also, he was known as the Sadiqal Amin, which means today is the last day of the Sirat conference. It was for 3 days. Means on 26, 27, and 28th of April. Initially, we had about this Sirat conference about a year back. Now we decided to have this kind of conferences on regular basis because the spiritual education of the students is one of the aims of the IDPS Srinagar. On that ground, we decided to have this Sirat conference. We are having, you know, every day during morning assembly, talk about by the teachers regarding some spiritual matters. We have Quran and Islamic studies on regular basis for our students, at least twice in a week for all the students of IDPS Srinagar. What is your message? We are all spiritual being. We are all flowers of one garden and waves of one sea. And my message to everybody is that, you know, Ramadan Mubarak, and I wish that, you know, all of you blessed and safe and secure. نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل البريد صدق الله العظيم. اس پروگرام میں ہم نے بچوں کو تیار کیا اور بچوں کو یہ چیزیں دیکھنے میں کیونکہ ان بچوں کے اندر اسلامی سٹڈیز اسلامی صلاحیت اسلامی طریقے इन चीज़ों से फ़ायदा होंगे तो इस वजह से हम छोटे छोटे ये सीरत कॉन्फ्रेंस वगैरह ऑर्गेनाइज़र करते हैं ताकि बच्चों में वो जज्बा पैदा हो जाए ताकि ये भी पहचान पाए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लम का कौल फरमान क्या है और इनकी सीरत जो चलने वाली है जो बच्चे अभी चल रहे हैं छोटे हैं अभी जब बड़े होंगे तो किस तरह ज़िंदगी हम गुजारेंगे कैसे हम इन इस्लाम में अपनी ज़िंदगी को चला सकते हैं इस्लाम के दायरे में आगे बढ़ सकते हैं ये चीज़ें इसलिए हम प्रोग्राम करवा रहे हैं ताकि बच्चों में इस्लामी जहन बन जाए इस्लामी तरीके आ जाए बस इसी वजह से हम ये प्रोग्राम सिर्फ कॉन्फ्रेंस वगैरह करते रहते हैं स्कूल में ये ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूशन एट एन इंडिविजुअल लेवल स्कूल के बिहाफ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम दीन के साथ साथ दुनिया को भी आगे मतलब दुनिया के साथ साथ दीन को भी हम तवज्जा दे रहे हैं और वही आखिरत की दुनिया है हमें चाहिए कि जितना हम मतलब इस दुनिया में है उतना हमें उस दुनिया के लिए भी तैयारी करनी है तो जैसा कि ये 3 दिन चल रहा था तो इन 3 दिनों में हमें वो चीज़ें हम उन चीज़ों से वाकिफ़ हो गए कि मतलब हम पर्सनली ये सब समझ पाए कि हमारा जो दीन है ये किस लिए है मतलब इसकी जो हम ये जो ये माह मुबारक है इसमें तो हमें पता है कि रोज़ा रखना है ये सब चीज़ें करनी है लेकिन इसके फिर क्या क्या फ़राइज़ रहते हैं एक इंसान पे हम उसे
इन तीन दिनों की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे पहले दिन तिलावत हुई, काफ़ी ज़्यादा सूरों की हुई, जहाँ जहाँ हम हिफ्स गलत कर लेते थे किसी लफ्ज़ का, तो वो क्लियर हो गया कि नहीं भाई ऐसे पढ़ना है। तो इंसान जो है ऑटोमेटिकली फिर इन चीज़ों के साथ फेमिलियर हो जाता है। जैसे दूसरे दिन मतलब कल नात कॉम्पिटिशन था, तो वो कोई इंसान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिल ही लगाव हो जाता है ऐसे पैगामों के साथ। तो वैसे ही आज जो है आज सीरत कॉन्फ्रेंस है, बहुत सारे मजामीन पे बच्चे बोलेंगे और हम इससे क्या होगा, इससे हम भी काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ों को जान सकेंगे और ये हमारे लिए हमारी आखिरत में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम बाबरा है और मैं IDP श्रीनगर से हूँ। एंड आज हमारे स्कूल में सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है और ये सीरत कॉन्फ्रेंस लगातार तीन दिन से हो रही है। पहले दिन हमारी तिलावत थी, दूसरे दिन नात था और आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बोलने जा रहे हैं। दरअसल ये जो है सीरत कॉन्फ्रेंस, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक इंडिविजुअल लेवल पे जो हमारे स्कूल ने उठाया है। हम काफ़ी खुश हैं इससे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि दुनिया के साथ साथ दीन को भी चलाना काफ़ी ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसी तरह हमें भी गुजारनी चाहिए और उसी तरह हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसी तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। बिल्कुल हम जानते हैं कि बिल्कुल हम उनकी तरह तो अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। उनके इखलाक माशाल्लाह वो तो आप हम सब जानते ही हैं। और थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अनिका बिलाल, आई एम फ्रॉम HTP सलार। टुडे आई एम पार्टिसिपेटिंग इन दिस सीरत कॉम्पिटिशन। हेयर आई कम टू नो अबाउट द इस्लाम, नो अबाउट द सुन्नाज ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टू नो अबाउट द कुरान। थैंक यू।